निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों में वो दर्द छुपा है जो अपनी भाषा अपनी संस्कृति अपनी माटी अपने वैभव के सरोकारों से हमको गहराई से जोड़ता है। भारत ने जब आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ी तो उसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि इस देश की भाषा क्या हो। संविधान सभा की बहसों को लेकर हमने आपसे लंबी बात की और जब भी हम वर्तमान में किसी तारीख पर अपनी आंख टिकाते हैं तो हम दरअसल जानना चाहते हैं कि अगर 14 सितंबर के दिन देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, हिंदी दिवस पर लेख लिखे जा रहे हैं, हिंदी हिंदी की बात हो रही है, हिंदी और देवनागरी की बात दरअसल 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में क्यों की जाती है, हिंदी दिवस मनाया ही क्यों जाता है, हिंदी का पखवाड़ा क्यों बनता है, हिंदी का सप्ताह क्यों बनता है, अगर वो हमारे देश की भाषा है, हमारे संस्कार की भाषा है, हमारे परिवेश की भाषा है तो फिर दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों है। सवाल जायज़ है और इसीलिए जब भारत और इंडिया नामकरण की बात हुई थी तो हमने आपको संविधान सभा के पन्ने खंगाल कर बताया था कि किस तरह 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बहस में ये बात आई थी कि इस देश का नाम क्या हो, कि जैसे किसी गर्भ से शिशु का जन्म होता है वैसे ही लंबी गुलामी के बाद एक भारतवर्ष का नया जन्म हुआ था और उसके नामकरण को लेकर जो भी बातें हुई वो आपको बताया। उसी तरीके से 14 सितंबर 1949 को ही भाषा को लेकर संविधान सभा में बातचीत हुई थी। वो बातचीत इतनी रोचक थी, इतनी दिलचस्प थी कि उसके हर पहलू को खंगालें तो पता लगता है कि दरअसल विविध संस्कृति विविध भाषाओं वाले इस देश को जोड़े रखना, आज़ादी के बाद इन विभिन्न प्रांतों के लोगों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व देना और उस प्रतिनिधित्व के जरिए एक संविधान एक कानून को स्वीकार करना कितनी पेचीदा कवायद थी। उस संविधान सभा के सदस्य किस तरीके से वरेण्य हैं, सम्मानित हैं, क्योंकि कई लोगों ने अपने व्यक्तिगत मंतव्यों को पीछे करके उस मंतव्य का साथ दिया जो संवेद स्वर में इस देश के संविधान को लाया। इसमें कुछ नुकसान भी हुआ, ये बात सही है, कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ दुराग्रह और पूर्वाग्रह शामिल हो गए, लेकिन संविधान को इस तरीके से लचीला भी रखा गया कि आगे जाकर उन दुराग्रहों उन पूर्वाग्रहों को लेकर कोई काम किया जा सके। बड़ी बात यह है कि संविधान सभा की जो सारी बातचीत हो रही थी उसमें सवाल आया था भाषा का और स्वामी गोपाल अय्यंगर ने जब एक संविधान में प्रस्ताव रखा था उसमें उन्होंने कई सारी बातों के साथ विभिन्न प्रस्तावों के जरिए कोशिश ये की थी कि एक भाषा की बातचीत लागू हो जाए, लेकिन उसके सारे प्रावधानों पर सभी सहमत नहीं थे। पुरुषोत्तम टंडन जी ने दरअसल ये बात रखी थी कि हम अगर हिंदी को देवनागरी के साथ स्वीकार कर रहे हैं तो उसके साथ हमको हिंदी के ही आंकड़ों को जिस तरीके से देवनागरी में वो लिखे जाते हैं स्वीकार करना चाहिए। बड़ी लंबी बहस हुई इस बात पर और लोगों का ये मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोमन के जो आंकड़े हैं उनको स्वीकार कर लिया जाए। आपको ये भी जानना चाहिए कि उसी संविधान सभा में सरदार हुकुम सिंह भी थे और उनका तो ये मानना था कि हिंदी को रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखा जाए। जी हाँ, आज जिस देवनागरी का प्रचलन हम जानते हैं वो हमारी लिपि है, उसी लिपि में उसी भाषा को उस तरीके से आज हम स्वीकार कर रहे हैं। बोलने वाले जो संविधान सभा में थे कई सदस्य उनका तो ये भी मंतव्य था कि दरअसल हिंदी नहीं हिंदुस्तानी भाषा स्वीकार होना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं अब उर्दू चलन में आ गई है, उर्दू को स्वीकार किया जाना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं नहीं उर्दू और हिंदी को मिलाकर हिंदुस्तानी हमारी तहजीब की भाषा है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। किसी ने कहा कि अगर उर्दू को स्वीकार करते हैं देवनागरी नहीं अरबी की लिपि जो है अरबी लिपि में जिस तरीके से उर्दू को लिखा जाता है उसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए कितने सारे मंतव्य थे, कितने सारे अलग अलग विचार थे, उनके बीच में से इस लंबी बहस के बाद पुरुषोत्तम टंडन जी ने बहुत सारी बातें रखी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपनी बात रखी, बहुत सारे अलग अलग प्रस्तावों पर वोटिंग हुई। उन वोटिंग में कई सारे प्रस्ताव हिंदुस्तानी को स्वीकार करने के, केवल उर्दू को स्वीकार करने के, केवल हिंदी को स्वीकार करने के एक के बाद एक खारिज हुए। दरअसल बड़ा मसला ये भी था कि अगर राजकाज की भाषा हिंदी को बनाया जा रहा है तो पढ़ाई का क्या होगा। अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने उस पर अपनी लंबी बात रखी कि कई विश्वविद्यालयों में अगर अंग्रेज़ी का भी प्रचलन है तो उसको बरकरार रखना चाहिए। उसके जवाब में उनको बताया गया कि दरअसल हिंदी अब कई सारे विश्वविद्यालयों में भी स्वीकार हो चुकी है, दक्षिण भारत के कई बच्चे हिंदी में अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं, इसलिए ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि अंग्रेज़ी शिक्षा की भाषा बनी हुई तो उसको बनाए रखा जाए। आप देखिए इन बारीकियों को समझिए, ऐसे नहीं आज हिंदी की और ये सारी भाषाओं की और संस्कार और संस्कृतियों की लड़ाई इस तरीके से सतह पर आई है। इसके पीछे बहुत सारी वैचारिक
मतभेद, बहुत सारे अलग अलग मंतव्य थे जिनमें से निकलकर छनकर ये सारी बातें सामने आई। एक मत ये भी था कि अंग्रेज़ी चूंकि राजकाज की भाषा बन चुकी है, कानून की भाषा हिंदी बनाने में वक्त लगेगा, उस तरह की भाषावली ही अभी उपलब्ध नहीं है जिस भाषावली के जरिए कानून की भाषा जो है वो हिंदी या देवनागरी हो जाए। इसलिए उस वक्त अलग से ये प्रावधान भी किया गया कि कोर्ट के जो फैसले हैं, कोर्ट की जो सारी कार्रवाई है, उसको अंग्रेज़ी में जारी रखने की छूट दी जाए। बड़ी बात यह है कि ये सारे प्रावधान कुछ समय के लिए किए जाने की बात थी। किसी ने 5 वर्ष का सुझाव दिया, किसी ने 15 वर्ष का सुझाव दिया। ये बात सामने आई कि आगे जाकर जब हम अपनी भाषा को बढ़ाने के अलग अलग प्रयत्न करेंगे तब शायद अंग्रेज़ी अपने आप चलन से बाहर हो जाएगी और उसके बाद हमको इस तरीके से हिंदी के लिए अलग से प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या पता था उस वक्त संविधान सभा में बैठे लोगों को कि इस देश की अफसरशाही, इस देश की नौकरशाही और इस देश की गुलाम मानसिकता से बंधे हुए लोग दरअसल उस अंग्रेजी को 5-15 नहीं पूरे 75 साल तक इस तरीके से खींच के ले आएंगे कि हिंदी दिवस भी दरअसल एक महत्वपूर्ण औपचारिकता बनकर रह जाएगा। बहरहाल संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई थी और इसी की स्मृति में हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। बात इस बात का है कि क्या केवल हिंदी दिवस मना लेने से हिंदी वहाँ पहुँचेगी जहाँ उसको पहुँचना चाहिए, ये एक अलग बहस का लेकिन सामयिक मुद्दा ज़रूर है। महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है, राजभाषा। राजभाषा यानी वो भाषा जो कामकाज की भाषा है। जो बहस हुई थी उसमें लंबी बहस के बाद शाम को उसमें मतदान किया गया और 14 सितंबर की शाम को संविधान सभा में हुई बहस के समापन के बाद जब संविधान का भाषा संबंधी तत्कालीन भाग 14 का जो कि वर्तमान में अब भाग 17 है बन गया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, उस वक्त अध्यक्षीय कार्रवाई पूरी देख रहे थे, तब उन्होंने अपनी भाषण में बधाई के कुछ शब्द कहे थे और उन्होंने कहा था कि आज पहली बार ही ऐसा संविधान बना है जबकि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी। इस अपूर्व अध्याय का देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी कि संविधान सभा ने अत्यधिक बहुमत से भाषा विषयक प्रावधानों को स्वीकार किया है। अपने वक्तव्य में आखिर में उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था वो सचमुच अविस्मरणीय है, उन्होंने कहा था कि यह मानसिक दशा का भी प्रश्न है जिसका हमारे समस्त जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। हम केंद्र में जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उससे हम एक दूसरे के निकटतर आते जाएंगे। अंग्रेज़ी ने भी हमें गुलामी के दौर में निकट लाने की कोशिशें की थी लेकिन वो एक भाषा थी। जब उस अंग्रेजी के स्थान पर हम अपनी एक भारतीय भाषा को अपनाएंगे तो वह अधिक महत्वपूर्ण है। इससे अवश्य ही हमारे संबंध घनिष्ठतर होंगे, विशेषतर इसलिए कि हमारी परंपराएं एक ही हैं, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही है। इसीलिए यदि हम एक सूत्र को स्वीकार नहीं करते तो परिणाम यह होता कि या तो हम इस देश में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग करते या फिर वे प्रांत पृथक हो जाते तो बाध्य होकर किसी भाषा विशेष को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि अगर हम हिंदी को स्वीकार करते हैं तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, बंगाली बोलने वाले लोगों को कुछ असहजता महसूस हो सकती है, कुछ असुरक्षा महसूस हो सकती है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तब क्या होता? जो लोग आज भी भाषा का सवाल खड़ा करते हैं, जो भाषा की लड़ाई करते हैं, जो भाषा का विभेद कर देश में अलग अलग तरीके के मंतव्य प्रसारित करना चाहते हैं, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दूरदृष्टि को समझना चाहिए, बुद्धिमत्ता को समझना चाहिए, संविधान सभा में बैठे लोगों के सामने क्या संकट था उसको समझना चाहिए। सारी बहस को असल में विस्तार से पढ़ने, सुनने और समझने की ज़रूरत है। उन्होंने जब ये कहा कि अगर हम एक भाषा स्वीकार नहीं करते तो बहुत सारी अलग अलग भाषाओं को मानने वाले हम इस देश में प्रांत खड़े कर देते, प्रांतों की लड़ाई और अधिक बड़ी हो जाती, सब अपनी भाषा को मनवाने की कोशिश करते, ऐसे में हम कहीं के नहीं रहते और वो लोग जो यहाँ पर अपनी भाषा को मनवाने आए थे उनके पृथक हो जाने का खतरा था। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हमने यथासंभव बुद्धिमानी का कार्य किया है और मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे आशा है कि हम भावी संतति इसके लिए हमारी सराहना करेगी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर अपने
भाषण में कहते हैं, जब 14 सितंबर 1950 को सारी कार्रवाई हो गई, जो कुछ भी मत विभाजन होना था भाषा के प्रावधानों को लेकर हो गया, उसके बाद अगर वो कहते हैं कि आने वाली संतति हमारी सराहना करेगी, तो निश्चित ही हमको उस वक्त की दिक्कतें और उस वक्त की दूरदृष्टि समझ में आती है। संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी एवं लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा, अर्थात 1, 2, 3। इसको लेकर दरअसल संविधान सभा में बहुत लंबी बहस हुई थी कि हमको ये जो अंक हैं उनका स्वरूप भी देवनागरी ही रखना चाहिए, लेकिन इस पर एक मत सब नहीं हो पाए। पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने इसको लेकर बहुत पुरजोर तरीके से संविधान सभा के भाषण में अपनी बात रखी थी। वो लगातार सभी सदस्यों को इस बात के लिए सहमत करने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस तरह के अंक प्रचलित हैं तो भारत को इससे लाभ ही होगा। देवनागरी लिपि तो हम अपना लें, लेकिन अंक हम वो रोमन वाले रखें, आगे जाकर अगर देवनागरी के अंक प्रचलन में आते हैं तो ये अच्छा ही होगा। ये भी बहुत से सदस्यों का मानना था, किंतु इसके साथ ही संविधान में यह भी व्यवस्था की गई कि संघ के कार्यकारी न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। ये बात अलग है कि उसके बाद 1967 में एक दक्षिण भारत में भाषा आंदोलन हुआ बड़ा, उसके बाद फिर से भाषा के इसी प्रश्न पर संविधान में संशोधन करना पड़ा, और उसके बाद अंग्रेजी को तब तक के लिए जारी रखने की बात की गई जब तक के लिए अन्य भाषाएँ सहज रूप में स्वीकार नहीं होती, और इसीलिए अंग्रेजी भी अन्य भाषाओं के साथ राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार्य है। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सारी भाषा की लड़ाई है, ये ऐसा नहीं हुआ कि 14 सितंबर 1949 को ही अचानक संविधान सभा में बहस हुई उसके मसौदे को लेकर। दरअसल जुलाई से लेकर लगभग नवंबर तक जो पूरी संविधान सभा की बैठकें चली हैं, उसी से वो संविधान बना जो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया, और उसके बाद आम चुनाव हुए, वो सारा इतिहास हम लोग जानते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला, जानने वाला, समझने वाला, लिखने और पढ़ने वाला देश रहा, लंबे समय से रहा, और वो आक्रांताओं के आक्रमण और अंग्रेजों की गुलामी के दौरान भी वो भाषाएं, वो संस्कृतियां उसी तरीके से अपने आप को सहेज कर आगे बढ़ी। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने दमन, इतने शोषण, इतनी प्रताड़नाओं के बाद भी उनको जिंदा रखा गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी का फिर भी संपर्क भाषा के रूप में एक बड़े व्यापक तौर पर प्रयोग होता रहा था। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक अनेक संतों ने भी हिंदी में अपनी रचनाएं की थी, और इन सारी रचनाओं में भी हिंदी को व्यापक प्रसार देने की क्षमता थी, और उससे बहुत मजबूती मिली। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिंदी की पत्रकारिता ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, चाहे वो राजा राममोहन राय हों, महर्षि दयानंद सरस्वती हों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, या सुब्रमण्यम भारती हों, इन सब अनेक विद्वानों ने जो हिंदी को मुखरता से प्रयोग में लाए, उस सब का योगदान था कि 14 सितंबर 1949 का दिन आया। आप ये भी समझ लीजिए, कई लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदी को तो राष्ट्रभाषा भी बनना था, केवल राजभाषा क्यों? उस संकट को अगर हम समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि उस वक्त किस तरीके की चुनौतियां राष्ट्र निर्माताओं के सामने थी। और इस पूरी हिंदी की लड़ाई में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को नहीं भूल सकते। महात्मा गांधी ने 1917 में गुजरात के भरूच में एक शैक्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय उद्घोषण में जो कुछ कहा था राष्ट्रभाषा के लिए, वो महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रभाषा की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है। यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिए सक्षम है, और इसलिए सारे देश को इसे सीखना आवश्यक है। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान, और इसीलिए जो एक हिंदी का सम्मेलन भी हुआ था इंदौर में, उसकी नींव रखी गई, और इंदौर में उन्होंने हिंदी साहित्य समिति में भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर जोरदार पहल की थी, उस पर अपनी बात कही थी। उन्होंने राष्ट्रभाषा के लक्षण भी बताए थे, उन लक्षणों को बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये प्रयोग के लिए सुविधाजनक होनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए, संपर्क भाषा होनी चाहिए। आप ये जान लीजिए कि महात्मा गांधी मूलतः गुजराती थे, जिस तरह लोग अपनी अपनी भाषा के लड़ रहे थे, मराठी वाला चाहता था उसकी प्रमुखता हो, तमिल वाला चाहता था उसकी प्रमुखता हो, बंगाली भाषा के लिए तो प्रावधान भी ये आया था कि आप देवनागरी को बदल कर या इसकी हिंदी की जगह बंगाली लिख दीजिए, तमिल सभी ने चाहा। और इसमें ये था कि वो ये चाहते थे कि ऐसा नहीं हो कि हिंदी के स्वीकार हो जाने से हमारी भाषा, हमारी संस्कृति खत्म हो जाए। हम उस महान राष्ट्र भारत के साथ हैं, उसी का हमारा जुड़ाव है, हम सब मिलकर वही हैं, हमारी संस्कृति संस्कार एक हैं, लेकिन भाषा संस्कृति की एक बड़ी संवाहक होती है, और सबको ये लगता रहा कि कहीं हमारी भाषा इस पूरी लड़ाई में
खो न जाए, ऐसे समय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक जैसे दूरदृष्टा लोग आते हैं जो ये जानते थे कि मातृभाषा कोई भी हो सकती है, मातृभाषा के हमारे संस्कार हो सकते हैं, हम अपनी मातृभाषा को अपने घरों में, हमारी अपनी घर की बोलचाल में सहेज कर रखेंगे, उसकी संस्कृति से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी भाषावार जो प्रांत रचना हुई तो प्रांतों में उस भाषा के संस्कार बने रहे, लेकिन एक संपर्क भाषा होना आवश्यक है, और वो एक संपर्क भाषा अगर अंग्रेजी रहेगी तो गुलामी की मानसिकता हमसे बाहर नहीं निकलेगी, अंग्रेजों के शोषण को हम भुला नहीं पाएंगे और अंग्रेजी बनी रहेगी। और किस कुछ लोगों ने जो ये पैरवी की थी कि रोमन की लिपि भी बनी रहे, तो वो इस देश के लिए भविष्य के लिए घातक होगा निश्चित ही। बहुत दूरदृष्टि थी सोच में, महत्वपूर्ण बात थी। जब भाषा की लड़ाई उस स्तर पर जाकर हम सोचते हैं और समझते हैं तो हमको समझ में आता है कि बंगाल से आने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महाराष्ट्र से आने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गुजरात से आने वाले महात्मा गांधी अपनी मातृभाषाओं के मोह को त्याग कर हिंदी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हिंदी की बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि हिंदी को संपर्क की भाषा होना चाहिए, राष्ट्र की भाषा होना चाहिए, राजभाषा होनी चाहिए। हिंदी दरअसल राजभाषा कागज़ में है, लेकिन अभी भी अंग्रेज़ी का प्रचलन कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा ही है। ये ज़रूर चुनौती है, और इस तरह के हिंदी दिवस पर ठहर कर हमको सोचना चाहिए कि जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं, किसी ATM से पैसे निकालते हैं, कहीं किसी वेबसाइट पर जाते हैं और उसमें हिंदी का विकल्प होता है, तो क्या हम उसको चुनते हैं? केवल अंग्रेज़ी आ जाने भर से हम सतत अंग्रेज़ी का ही प्रयोग करें, भाषा से दिक्कत नहीं है, भाषाएँ हमको सारी आनी चाहिए। अंग्रेज़ी क्यों, फ्रेंच, जर्मन, जो भी भाषा हम सीखना चाहें हम सीख सकते हैं, लेकिन उसके पहले क्या हमने हिंदी के साथ साथ दक्षिण भारत की कोई भाषा या पूर्वोत्तर की कोई भाषा या बंगाली या मराठी या अन्य भाषाएं सीखने का प्रयत्न किया? ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। और व्यावहारिक उपयोग में अगर हम हिंदी का प्रयोग करेंगे और उसमें किसी भी तरह की हीन भावना नहीं रखेंगे, गर्व से भरे रहेंगे हिंदी का प्रयोग करते वक्त, तो हिंदी दिवस मनाने की शायद आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हिंदी दिवस हिंदी को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि इस याद में रखा गया था कि 14 सितंबर 1949 की बहस में ही उसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। यही राजभाषा तमाम संपर्क सूत्रों के साथ राष्ट्रभाषा भी बने। और जो लोग दक्षिण की और उत्तर की लड़ाई हिंदी में देखते हैं, उनको ये भी बता देना आवश्यक है कि हिंदी को लेकर जो दक्षिण प्रचारिणी सभा बनी थी उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हिंदी की उस स्वीकारित्व के लिए। कहीं ना कहीं बाद में जो भाषा का आंदोलन 65-67 के आसपास खड़ा हुआ उसने नुकसान पहुंचाया उन सारे प्रयत्नों को, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी को संपर्क भाषा बनाने के साथ साथ अगर अन्य भारतीय भाषाएं भी हम सीखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो हम अनेकता में एकता वाले महान राष्ट्र की ओर अधिक मजबूती से बढ़ेंगे। इन सारी बातचीत को इसी तरीके से आगे देखते रहने के लिए आप बने रहिए amarujala.com के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।